अच्छा एक दो काट के जोर देखो हाफ आ देवे तकरीबन 15 मिनट पकाए हुए भला इनको यानी कि कच्चा की देवे दूसरे स्टेप पे दोबारा से टेवे यानी कि हम फिनिश थी वैसे फाइनल के नाम फिनिशिंग जो कहते हैं अच्छा ये आ गया एक काम ये थी गया हाफ अच्छा ये फटी है बस फटी अच्छा मछली मिसाले 3-4 डब्बे मछली मिसाले दे उन्होंने अच्छा बेसन जो बने ना ओ बेसन है सारे को सही नहीं बनते मतलब तुसे बेसन को रेफर नहीं कर रहे तुसे आधे वे ठीक है नमक थोड़ा सा डी ज्यादा सटे आ वाले ज्यादा नाल तो कोड़े चीज नहीं है अच्छा अच्छा हुन साफ थे गए हुन इंदे च अपना सा मुंह डे गिनो शीशे दी कर साफ है ना जी हां बिल्कुल ले गिनो हां हां देसी रहता है थोड़ा है सही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रेटिंग वेलकम बैक अहलम व सहलम बखैर रागले आज की वीडियो हम आपको मछली बनाना सिखाएंगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट बड़े बड़े होटलों पर किस तरह बनाते हैं मछली है तो सरेकी में वीडियो लेकिन आपको समझ आ जाएगी बहुत आसान और सादा सी वीडियो है स्टे कनेक्टेड कीप वॉचिंग हैप्पी हारून फैमिली वीडियो मुकम्मल देखनी है चैनल को सब्सक्राइब करना है चैनल के साथ जुड़े रहना है थोड़ा भूल गया तो चलते हैं जी आपको बताते हैं किस तरह मछली तैयार होती है बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटल्स पे स्टे विद अस और ये है जी हेडटाउन सबिराज खूबसूरत मंजर खूबसूरत नज़ारा विजिटिंग बहुत खूबसूरत विजिटिंग प्लेस है और यहाँ आप आ सकते हैं यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं मछली यहाँ की बहुत ज़्यादा ही मशहूर है जी ये है व्यू खूबसूरत जो इस बैक साइड पे हेडटाउन सबिराज को तो लेट्स स्टार्ट जी आज की वीडियो को स्टार्ट कर दें मैदा इस्तेमाल करेंगे या बेसन मैदा सारा मैदा मैदा विच मछली मसाला ठीक है ढेर चीज आवन बस जी मैदा ज्यादा मतलब उमे इस्तेमाल मैदा थे जी जी सब बेसन तो पी रख दे बेसन आता भी उन्हें ना मछली काली थी मेरी बात तो मछली को सबसे पहले दो हिस्सों में काटा है थोड़ा बहुत सफाई करने के बाद मैदा दा खैर है इंदा चिट्टा सूट है जवान कोई नहीं खैर है मैं कोकते कर खड़ा सबसे पहले लैंडस्केप में दो हिस्सों में काटा फिर छोटे छोटे टुकड़े बना रहे हैं इसके फिर इसको अच्छी तरह ये धोएंगे इंदा कोई फर्क पौन दे आदन जी घंटा दो घंटा मसाला ला के रखो जे इको सदा 15 मिनट रखे मसाला ज्यादा ठीक है पानी छानी भी ना छुड़े से ना छुड़े से तो भाई कह रहे हैं 10-15 मिनट सिर्फ इसको मसाला लगा के रखेंगे धोने के बाद मिसाला तो सही हो आम लेंदे हो असा तो वेज क्रिस्पी पाते रख दे उन दिन आने नहीं वो ना पता का अच्छा ना क्रिस्टी क्या होवे अच्छा कोई हे मिल दे ना स्पेशल सफाई सफाई करे धो से आले ना जी चीज जितना देसी होवे ना उतना होगा टेस्ट सही अरे भाई के बच्ची धो कढ़ाई रख खड़ा उते दारू की तो दोसी नल के तो दोसी नल का के नमक नल धोना बस हैं नमक थोड़ा सटे ज्यादा सटे आ वाले ज्यादा नाल तो कोड़ी थी भी नहीं अच्छा ज्यादा नाल कोड़ी थी मेरी ये बाद मछली को अच्छी तरह साफ करेंगे धोएंगे इसके बाद 15 मिनट इसको बेसन वो लगाएंगे बेसन नहीं है वो कह रहे हैं 12 मिसाले हैं हमारे पास मुख्तलिफ वो भी आपको बताते हैं कौन से हैं अच्छा हुन साफ थे गए हुन इंदे च अपना सा मुंह डे गिनो शीशे दी कर साफ है ना जी हां बिल्कुल ले गिनो हां सही थी गए अच्छा इंदे 12 मिसाले बने ही पवे नहीं नहीं 12 ही नहीं फेरो अच्छा ना गिरो सही मसाला चना कर ले से काटा हो हां ताकि भला आ मैं ना चंगा करके ले से बने से तो भला आसन आसन अच्छा हां आसन कितना है ना कितना है सही है चाव चाव मसाला चाव और 10 से 15 मिनट मसाला लगा के इसको थोड़ा पानी छाटना तो देखते हैं आगे क्या करते हैं ये लोग बिस्मिल्लाह
उस्ताद तो जरबे कर रहे हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के जो बने से जायका तो निकल सी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कौन से कहने मिला मर्दी इतना चोखा टाइम लग जाएगा ये तो सिर्फ लग गए 15 मिनट अजान भी पहले दे दिए अच्छा इतना वाला कुलियत वाला ठीक है वाला है अच्छा जी 10 से 15 मिनट के दरमियान इसको बेसन लगा के रखा और 10 से 15 मिनट के दरमियान ये यहाँ में फर्स्ट राउंड में तैयार हो जाएगी यानी कि दो इंच मंड से और थोड़ा कच्चा करेंगे दबाएंगे फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं कढ़ाई है ये ओडी है वाल भी दूध शेड्यूल बन जाए क्योंकि खराब पक्का होनी चाहिए सब तरतीब नाल पकाएंगे हां हमार की तो सारी मच्छी भी आवे सही तरतीब खराब नहीं करना भाई कह रहे हैं इतने बड़े कढ़ाई में 1.5 से 2 किलो मछली एक टाइम में बन सकती है इससे ज़्यादा नहीं बन सकती अच्छा ये जरा मसाला है ये पहले यानी कि द्वारा बना पाए इन कितना मिसाल है 12-13 आइटम है उन जो फर्ज करो केरे केरे नहीं मैं मसला ना कर थोड़ा वो हो बैठे लिखे पाओ सन घर दे जिया डिब्बे में पाते तो सन कहीं पड़ा मैं छोटी चक्की अच्छा वैसे ये आटा केरी चीज है वो मिक्स इन सारे ये मैदा है जी जी ये सफेद मैदा है सफेद मैदा अच्छा मैदे च तुसा 12 मिसाले मिलान अच्छा 12 मिसाले जिमे ये देसी जिमे मिर्चा थी गए धनिया थी गया या ये चीज़ा भी हो जाने पिया भी बेच होने पे पहले अच्छा मछली मिसाले होने पे डब्बे 3-4 सही 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 मछली मिसाले 3-4 डब्बे मछली मिसाले दे होने अच्छा बेसन जो बने ना नो बेसन सारे को सही नहीं बन मतलब तू सब बेसन को रेफर नहीं कर रहे तू सादे वे ठीक है अच्छा बेसन देने से बात भाई कह रहे हैं बेसन की बजाय हम मैदा इस्तेमाल करते हैं जिससे टेस्ट जो है उसमें ज़्यादा ताजगी होती है और यानी कि ज़्यादा उम्दा टेस्ट होता है मैदे में अगर बनाते हो बनाएं तो बेसन हम इस्तेमाल नहीं करते खूबसूरत ब्लेसिंग हैड तोसा बिराज आइए विजिट कीजिए स्टे विद अस हम तैयार थी वाला है ना बस हाफ तैयार थी वाला कोई नहीं हाफ मतलब ये तो है तो फाकर सो हां एक हल्का हल्का जोर दे अच्छा फिर कर अच्छा एक दो काट के जोर रेसों को हाफ आ देवे अच्छा उन नाल क्या थे नजर ले जोर बने इधर पानी शाने निकल गया फुटरी फुटरी थी गई बला जे पाती सारी कट यानी कि सफाई कच्चा कशे रहे ना वने वो सारा वो कवर करे ने अच्छा 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 तेरे कंडा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अच्छा ये आ गया एक था ये थे गया हाफ हाफ तो मुरादें इन्हें झाली वो छुरी वगैरह हमारे सोई में कैसे का एक लग गए एक दिया लाखों में पाह है क्या करने हैं अच्छा स्पेशल कोई ये दिखाओ मैं कौन साइड दो कि में इधर आ इधर दान की में अच्छा ये फटी है बस फटी अच्छा सही सही ना कर किलो कमी ना रहे वने कमी किलो ये कोई छुरी नाल में कंडे मरे वो मरे ना छुरी नाल अच्छा सही 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 लताड़ा नाला अच्छा एक बार 10 से 15 मिनट पकाने के बाद इसको बाहर निकाला थोड़ा कच्चा किया दबाया लकड़ी से फिर 10 से 15 मिनट के दरमियान इसको दोबारा कढ़ाई में डाल दिया ताकि ये तैयार हो जाए हमारे साथ जुड़े रहें वीडियो के साथ और थोड़ी देर में ये तैयार भी हो जाएगा वो भी हम इसका कलर जो है कलर के मुताबिक देखते हैं नरम भी बनाते हैं सख्त भी इधर ढक उनको ऊपर रख दे हाँ इधर ढक लगा के इन्हें को हला में हाँ देसी रहता है थोड़ा है सही रहता चेक करने पहले
दही तो बना ना मजेदार है थोड़ा रहता है मजेदार है मच्छी नहीं सका रहता ही खा गया हूँ पक रही है फाइनल थे नहीं है जिस तरह से ये फाइनल मरला है यानी कि इसको दोबारा हमने यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया 10 से 15 मिनट के दरमियान ये तैयार हो जाएगा। हम इसको नरम भी रख सकते हैं और ज़्यादा पका के सख्त भी कर सकते हैं। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग, हैप्पी हारून फैमिली, हंसते रहें मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखें। नई वीडियो में कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।